औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम, दवाखाना बुलवाल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सिलसिला मुफरद अद्वियात के साथ। किस्त नंबर दो, अद्वियात नंबर दो, ज़ीरा सफ़ैद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ज़ीरा सफ़ैद जो है, इसका मिजाज जो है गर्म तर है, और इसकी मकदार खुराक जो है वो 3 ग्राम 5 ग्राम है। ये कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो मुख्तलिफ किस्म के तिब्बी अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जवारिशी कमोनी इसका मशहूर मरकब है। ज़ीरा में क्योंकि आयरन की अच्छी खासी मकदार पाई जाती है, इसलिए ये निज़ाम हाजमा के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये बतौर दवा के अलावा, ज़ीरा सफ़ैद जो है बतौर दवा के अलावा हमारे जो गर्म मसाले हैं आंडी वगैरह के, उसका ये अहम जुज़ है जो खाने की लज़त बढ़ाता है और भूख पैदा करता है। ज़ीरे के अंदर आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें बी कम्प्लेक्स की भी अच्छी खासी मिकदार होती है ज़ीरा में, क्योंकि विटामिन ई भी पाया जाता है, इसलिए जिल्द की बहुत सी बीमारियां जैसे एक्नी, एक्जिमा और दाग धब्बे, उनसे भी निजात देता है। बल्कि जिगर जिल्द की सफाई भी करता है। चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियाँ, उनके लिए भी बेहतरीन ये बतौर दवा है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई शामिल है। जिन लोगों के हाथ हथेलियों और पाँव के तलवे में होने वाली जलन, जलन होती है उनके खात्मे के लिए भी ये बेहतरीन दवा है। 1 चम्मच ज़ीरा 4 लीटर पानी में उबाल लें और ठंडा करके ये पानी पिया करें। अच्छा, जिन लोगों को खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तब भी अगर वो यही पानी इस्तेमाल करते हैं तो उनकी प्यास के अंदर, जो झूठी प्यास होती है उसके अंदर बहुत हद तक कमी आ जाती है। ज़ीरा सफ़ैद जो है वज़न को बहुत जल्द कम करने की सलाहियत रखता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल के दौरों को खतरों के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। ये कुव्वते मुदाफ़त बढ़ाता है ज़ीरा सफ़ैद, और इसके अलावा ये खून की कमी को भी पूरा करता है, हाजमे को बेहतर करता है, री हवा का इखराज करता है जी, मुकवी मैदा है बेहतरीन किस्म का। जिन औरतों को दूध की कमी होती है, उनके बच्चा जो है वो दूध की कमी का शिकार रहता है, अगर वो 10 ग्राम ज़ीरा आधा किलो दूध में उबालें, इतना उबालें कि 1.5 पाव दूध रह जाए, नीम गर्म वो पिए, तो दूध की कसरत हो जाती है, उनके लिए बेहतरीन और मुफीद चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा जो दोस्त वज़न कम करना चाहते हैं बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बग़ैर किसी दवा के, बतौर ख़ुराक, उनके लिए एक बेहतरीन और हैरान कन नुस्खा ये है कि ज़ीरा के बीच, ज़ीरा को जब अच्छी तरह हथेली के ऊपर रगड़ते हैं तो इनके चावल अंदर से निकल आते हैं, जिनको बीज भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लीमू और अदरक, ये 3 चीज़ें जो हैं किसी भी सालन के ऊपर वो छिड़क कर खा लें, जब भी वो खाना खाएं तो ये मामूल बना लें, तो बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बग़ैर किसी नुकसान के, नेचुरली उनका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मामूल बनाना है कुछ अरसे के लिए,
5-10 दिन या 20 दिन से नहीं, कुछ अरसे के लिए आप मामूल बनाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन आपका जो किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट के बगैर आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें मेरे चैनल के ऊपर। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।